भोले राजा रामचंद्र भगवान उमापति माननीय प्रिय सज्जनों, जैसा कि समिति का आदेश तथा रामचरित्र मानस के अंतर्गत वीर रस और लंका कांड से और समय के रहते हुए मानव जीवन के लिए भजन, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहना क्या रथ पथक बात उस समय की है। आज रावण का युद्ध के लिए प्रस्थान करना और अपनी सेनाओं को भांति भांति के प्रकार से युद्ध की तैयारी के लिए सूचित करते हुए वन युद्ध में जाने की तैयारी, किस प्रकार अपनी सेना को रावण समझाते हैं देखिए। आज रावण अपनी सेना को समझाते हैं हर जगह हर समय हमारी शान होनी चाहिए। ये तो आई है वनवासी सेना, इसका सर्वनाश होनी चाहिए। और रावण कहते हैं हो जाओ तैयार, अब हमें युद्ध में चलना है। और किस प्रकार समझाते हैं देखिए। उन्हें दुश्मनी बड़ी वन में रहने वाले लंका तक प्रवेश कराए हैं, कहना क्या उन्हें हमें बताना है। तो आप इस तरह से तैयार हो जाइए, रथ को सजाना है, कई प्रकार के सवारियां बनाना है, बाढ़ तीर सजा लो और अपना पताका लहरा लो। अब वो समय आ गया है, हो जाओ तैयार अपने दशानन की लाज बचाना। कह रहे क्या और रावण कहने लगे आज उनका सर्वनाश कर देंगे। ऐसी कामना से अपनी सेना को समझाते नाना प्रकार से देखिए।
उन्हें दुश्मनी बड़ी। रावण कहने लगे उन्हें दुश्मनी बड़ी महंगी पड़ेगी। जरा रथ अपना सजा समय आ गया है ध्वज को लहरा लो। समय आ गया है ध्वज लहरा लो। सेना को तैयार करता है। कि सच्चे मन से बावरे नाम हरि का बोल। इधर उधर मत डोल जरा अपने मन पर। केना मानो से इस जीवन में जो कुछ प्रभु से वादे करके आया था उसे पूरा करना होगा, नहीं तो चौरियासी लाख योनियों में
कर्मों के पाप को भुगतना। कहना है माने से तू खाली आया है, खाली ही जाएगा, ये मेरा वादा है। उसे आज भजन नहीं सुन पाएगा तो कर्मों के फल को ही पापियों में पाएगा। कहना है माने से क्या लाया है, क्या ले जाएगा। हे मानो जो अभी तू मोह माया और ये मन चंचल के हिसाब से इधर उधर भटका रहा है, तुझे जो वादा किया था उससे तू विमुख हो रहा है। कहना क्या क्या लाया है, क्या ले मानो खाली आया है, खाली जाएगा। और जैसा करेगा वैसा ही फल मिलेगा। कहना क्या जो कि जो करके देखे वही पाए, क्योंकि तेरी करनी तेरी भरनी मेरी करनी मेरी। होता है इधर उधर की बातें सुनता है लेकिन हरि नाम को गाता नहीं। कहना क्या मन दीवाना हरि भजनों को माने ना। और दुनिया भर की सारी बातें को मानता। कहना क्या ये पगला समझाने से समझे ना। Bye.
समझे श्री शारदा मंडल सूठिया अपनी पूर्ण तैयारी के साथ मंच के समीप आ जाएं और मंडल का एक सदस्य यहां कर अपने प्रश्न का चिट उठा लें। हाँ साहब जी साहब, हमें समिति के निर्देश अनुसार प्रश्न मिला है जी। चंद्रमा को छह छह होने का श्राप किसने दिया था जी? हम अपनी मंद बुद्धि के अनुसार बताने का प्रयास करेंगे जी। प्रश्न अनुसार चंद्रमा को छह छह रोग होने का श्राप श्री चंद्रमा यानी कि चंद्रदेव ने दिया था, ये हमारी मन बुद्धि के अनुसार। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। पहले एक बार प्रश्न को समझें, चंद्रमा और चंद्रदेव तो वो तो एक ही है। चंद्रमा को छह होने का, छह मतलब एक बीमारी होती है नीचे तलवे की ओर से सूखना प्रारंभ करती है, सूखते जाते हैं आदमी छह होने। तो चंद्रमा को छह होने का श्राप किसने दिया था, ये आपका प्रश्न है। चंद्रमा को छह होने का श्राप किसने दिया था? चंद्रमा को छह होने का श्राप दक्ष प्रजापति ने दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस मंडल के लिए। समय लगा